मधेपुरा सांसद सह जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता के दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और राज्य में गिरती शासन व्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और सरकार इस संदर्भ में कुछ नहीं कर पा रही है। इस दरमियान पप्पू यादव ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने से अच्छा है कि जमीनी विवाद को खत्म कर देना चाहिए। इस दरमियान पप्पू यादव ने राजद, जदयू एवं भाजपा के नेताओं पर भी जमकर हमला किया। आप या तो कानून की बात मानिए या न तो सर्वदलीय सर्वधर्म संभव की बात मानिए, और अन्यथा यदि हिम्मत है पप्पू यादव सीधा कहता है कुछ मत करिए, कानून से कहिए कि जमीन का विवाद खत्म करके मंदिर और मस्जिद दोनों का जमीन तय कर दे और वहां पर बन जाए। जहां मस्जिद है मस्जिद रह जाए, जहां बगल में जमीन का विवाद है मंदिर हो जाए। तो कानून को कहिए ना, 13 फरवरी के बाद फिर आप उन्माद पैदा करिएगा तो नीतीश कुमार जी का क्या होगा, तेरा क्या होगा सांबा। बिहार में लल बबुआ जिसको भूगोल का पता नहीं, न समाज शास्त्र का पता, न सामाजिक विज्ञान का पता, न जमीन का, न जर का, सिर्फ जोड़ू का पता होगा शायद उन लोगों को। ऐसे लोग जो पैरासूट और हवा हवाई से आते, अनुकंपा पर किसी के नाम पर आते हैं। अब राजद में लालू यादव जी का तो कुछ रहा नहीं, बचा नहीं। लालू यादव जी तो कहीं से कुछ, बस लालू यादव जी को तो कंप्लीट कैद कर दिया। राजद एक बेलपत्र नहीं होता है, बंदर की डमरू। ये लालू यादव राजद नहीं है, राजद का मूल आत्मा जो लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया का था, वो जन अधिकार पार्टी में है। कि एक लल बबुआ ट्विटर चौपाल, जनता चौपाल नहीं, बेटी बचाओ सुरक्षा चौपाल नहीं, अपराधियों से बिहार को बचाओ का चौपाल नहीं, ट्विटर चौपाल। ये दुनिया का यूनिक, मैं चाहता हूं कि लालू यादव राजद और कांग्रेस बराबर के सीटों पर लड़े, ट्विटर राजद नहीं, उसको समझ नहीं होगा। इसमें लालू यादव जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। आगामी चुनाव में क्या पप्पू यादव एकला चलो की राह पे चलेंगे? पप्पू यादव लगातार प्रयास कर रहा है। मैंने अपनी बात बहुत ही गंभीरता से कांग्रेस नेतृत्व को कह चुका हूं, मैं चाहता हूं बिहार में एक विकल्प, 17 साल 15 साल डर के वातावरण और डरावना मुद्दा से अलग एक विकल्प। लेकिन वर्तमान समय में देश के हालात के कारण अपनी विचारधारा से अलग देश के हित में कभी न कभी समझौता करना पड़ता। इसके लिए मैंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से गंभीरता से कहा है कि यदि गठबंधन ही एक विकल्प है तो देश के हित में करना चाहिए। जहां तक मेरा अकेला और लड़ना और चलने का सवाल होगा, पहले भी हम अकेले लड़े हैं और आज भी सबसे दिल के करीब और जनता का गठबंधन पप्पू यादव से ही है। हम खुद अकेले लड़ने में सक्षम हैं, किसी के यहां आरजी हाजरी और अनुकंपा नहीं चाहिए। जनता तय करती है किसी नेता के नेतृत्व का, कि पप्पू यादव जनता के साथ हमेशा अकेला चला है
आगे भी एक विकल्प की तैयारी में है। लेकिन यदि देश के गठबंधन का राजनीतिक और देश के सवाल पर, तो एक पार्टी के हैसियत से मैंने कांग्रेस से कहा है कि आप जैसा तय करेंगे उस तरीके से मैं आपके साथ खड़ा रहूं। पूर्णिया से तय करना कंप्लीट रूप से कांग्रेस के वो है, मधेपुरा और पूर्णिया ये मेरी आत्मा है, मेरे नस और खून में है, मेरा शरीर है बिहार, उसमें खगड़िया भी है, अररिया भी है, झंझारपुर भी है, लेकिन आत्मा के बगैर शरीर का मतलब नहीं, तो वो आत्मा है पूर्णिया और मधेपुरा।